नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं नसीब खान नोएडा के अलग अलग गांवों में पहुंच रहा हूं। आज मैं हूं इस समय सेक्टर 62 का नवादा गांव है, जहां पर समस्याएं हर गांव में होती हैं और वहां तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं पहुँचती हैं। आज हम जाने हैं लोगों के, जनता के बीच पहुँचे हैं। आप इस गाँव की रहने वाली हैं, आपको इस गाँव में एक तो आपकी जो 60 साल वाली है वृद्धा पेंशन होनी चाहिए, वो भी मिल रही है आपको? ना मिल रहा कुछ भी, अभी कुछ नहीं मिलता। कोई आपने आगे कोई फार्म वगैरह भरा, कभी सुनवाई हुई आपके फार्म की? भरे हैं फार्म, कोई सुनवाई ना हो, सुनाई ना हो वे फार्म भरे एक बार। फार्म सब कैसे लोग हैं, सब रद्द हुए हैं आज तक। पटवारी बटवारी भरवा के कई बार ले गया, नहीं हुआ किसी का भी किसी के पास। और कोई सुविधा है सरकार की तरफ से जो होती है? यही हुआ, कोई सुविधा नहीं मिल रही। मैं आपको नोएडा के अलग अलग गांवों में लेकर आता हूं। आज मैं लेकर आया था सेक्टर 62 का नवादा गांव है, जहां पर लोगों का समस्याएं जानी और जो कोई सरकारी स्कीम है, आज तक कोई वृद्धा पेंशन नहीं मिलती, कोई सरकारी स्कीम नहीं आती। अभी आपने सुना कि 5% के प्लॉट भी हमारे आज तक पूरे नहीं मिले हैं किसी को भी, तो इसका आपने कार्रवाई करिए। खूब अठौड़ते में धरना दिया है, सब कुछ दिया है, कुछ भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हमारी। गांव की जमीन अथॉरिटी ने ले ली, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, लेकिन इन गांव वालों का दर्द समझना कोई नहीं चाहता। मैं आपको लेकर आया हूं प्रोग्राम मेरा गांव मेरा देश में। फिर मैं नवादा गांव में पहुंचा था और यहां मैंने लोगों का दर्द जाना। 5% का जो प्लॉट गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू करती है, वो भी आज तक लोगों को मुहैया नहीं हुए। किसी को भी, मतलब बहुतों को हो गए हैं, कुछ को आधे के हुए ही नहीं अभी तक, नहीं पहुंच पाए, लोगों को मिले नहीं, जाते हैं भर दिए हैं फार्म, सारे रिजेक्ट हुए हैं पीछे योजना में। कहते हैं रिजेक्ट करके, वो क्या कहते हैं खत्म हो गई योजना, अभी कुछ भी नहीं है अब तुम्हारा यहाँ। आप इस गांव के रहने वाले हो? हाँ, अभी कुछ नहीं है, अभी बाघ आएगी योजना जब देंगे। लिस्ट में प्लॉटन के हमारे नाम आ गए थे, नाम सारे कैंसिल करे गए। हाँ, लिस्ट लग गई थी उसके बाद रोहतास का नाम आता है, सचिन का आया था, कई इनके कितने इनके नाम सबके गांव के आधे इनके सारे प्लॉट कैंसिल कर दिए गए। आप सुन रहे हैं कि प्लॉट में लिस्ट लगी थी प्लॉटों की, 5% जो मुआवजे में तौर पे दिया जाता है, और उसमें लिस्ट में नाम भी आए थे, उन नाम को भी कैंसिल कर दिया। आज तक पैसे जमा है उनके हमारे 1.5 लाख रुपया, आज तक भी हमारे उनके भी लिखड़ा भी नहीं है, न वापसी करे अठौटी ने पैसे भी। कितने साल हो गए इसको? कम से कम 2002 से 2002 से 24 चल रहा है, अभी 22 साल हो गए, आज तक ना ही अथॉरिटी ने पैसा रिटर्न किया है, ना कोई आगे सुनवाई हो रही है। और हम और इसमें कोई जाते हैं अभी, कुछ भी अभी लिखेंगे, अभी आएंगे तुम्हारे फार्म आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बाद में भर देना। बस एक आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके प्लॉट निकलेंगे और फार्म आपके अभी आए नहीं है, यही कह के वापस लौटा दिया जाता है। और हम जानते हैं लोगों से और पूछते हैं, यहाँ का समस्याएँ बहुत हैं, आप भी हैं बेबा हैं विधवा हैं, तो क्या आपको पेंशन मिलती है? नहीं मिलती। आपने अप्लाई करी पेंशन? करी एक बार, उन्हें सुनाई ना करी, मतलब हाँ सुनवाई ना करी उन्होंने। क्या शिकायतें हैं? हमें शिकायत ये है, एक तो हमारी पेंशन बंदी चाहिए, हमारे कोई रोजगार ना है, गो किराया नहीं है, भाड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। एक लड़का है, उसकी कोई कमाई नहीं है, 18 साल का लड़का है। हाँ, मुझे यही चाहिए कि मतलब मेरी पेंशन बंद जानी चाहिए और मेरे बच्चे को रोजगार मिले तो और अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि 2-4 मंजिल मकान बनना हो तो किराया भी आवे, वो भी कुछ नहीं है। एक ही कमरा रहती है, गुजर बसर बस ऐसे गुजर कर रहे हैं, और क्या गुजर पुजर कुछ ना है, बस पेट पालना ही है और कुआ इधर और कुछ ना है। कल को बीमार भी हो जाए, जो भी नहीं है कि 10 रुपया में हो तो अपने डॉक्टर के चले जाओ, सरकार ने भी सुनाई ना होती, कुछ नहीं है। मतलब उम्मीद है सरकार से कि आपको क्या चाहिए? हमें तो यूँ उम्मीद है हमें कि हमारी एक तो पेंशन बन जाए, हमारे बच्चा की ड्यूटी लग जाए सही से, जो हमारा बच्चा कमा के भी खा ले, हमें हमारा पेट भर दे, और पेंशन मिलनी चाहिए हमें। यहाँ कोई सुनवाई ना करता, ये कह देते यहाँ कोई प्रधान ही नहीं है, नवेड़ा में बहुत मालदार रहे हैंगे और नवेड़ा में भूखे मर रहे हैं नवेड़ा में। कल को बीमार हो जाए तो 10 रुपया भी नहीं है, जो मतलब दवाई ले लो, इतना भी नहीं।
आप दर्द समझ रहे हैं, देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा गांव मेरा देश। मैं गांव के अंदर जब आया तो मैंने यहां पर जो विधवा महिला हैं उनसे जाना कि समस्याएं क्या है। दो वक्त की रोटी के लिए आज गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। विधवा है, कोई सहारा नहीं है, एक बेटा है 18 साल का जिसका कोई रोज़गार नहीं है, तो खर्चे कैसे चलें। महंगाई का दौर है, पेट पालना मुश्किल है और ना ही कोई सरकार का सहारा है, ना कोई मदद है। विधवा पेंशन नहीं मिली आज तक, ना कुछ इन्हें मिलता है। जब ये जाते हैं सरकार के पास तो इनकी सुनवाई नहीं होती और कई बार इन्होंने एप्लीकेशन भी दायर किया। नोएडा में कोई नगर पालिका नगर निगम नहीं है, ये विधानसभा में आता है और जब अथॉरिटी में इसकी शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। क्या नाम है आपका? मुंद्रेश। आप इस गांव की रहने वाली हैं? हाँ, इस गांव की रहने वाली हूं। क्या आपकी समस्या है? मैं विधवा पेंशन है, मैंने मिली राणी रूड़ी है, दो बालक हैं, बेबी वो जब जगह हम पे ना आए, कुछ भी ना आए, बताओ तुम। तो आपने विधवा पेंशन की जो आगे फार्म भरे उसके लिए? दो तीन बार फार्म भर दिए, कोई वो नहीं, कार्यवाही नहीं भाई। फेज टू भी फार्म देखे आए हम सूरजपुर, कोई कार्रवाई ना भाई। 2-3 हज़ार रुपया भी लगा के बैठ गए, गरीब आदमी कहाँ से लगा में। और भी समस्याएं हैं जैसे? और भी समस्या हम कहते रहे ना, जगह ना कुछ है, वैसी कच्ची झोंपड़ी खड़ी कर रखी, गरीब आदमी कहा है कुछ भी ना है। तो पैसा वो हो बिलसठ फटवा दो, बड़ी बूढ़ी इनकी भी है, विद्वान की भी इनके भी, या मैं काम में ना कुछ भी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, सहारा नहीं देते, तो विधवाओं वृद्धा के लिए और विधवाओं के लिए ये उम्मीद होती है कि सरकार हमें कोई पेंशन देगी, कोई योजना के तहत हमारी कुछ मदद करेगी। तुम बताओ। हाँ, और बच्चे ना सुने, रानी रूढ़ी ना सुने, बच्चे कुआरे बच्चे हैं तो बताओ क्या खावे हम। किराए को साधन हम पे ना है, कोई बुना है तो। सरकार जो 5% मुआवजा है वो नहीं दे रही है, कोई साधन ऐसा नहीं है जिससे दो पैसे की इनकम हो और दो जून की रोटी पेट पालने के लिए हो चले खर्चे। और क्या, कुछ भी ना भैया, हमें तो प्लॉट भी ना मिले, कुछ भी ना भैया, जगह भी एक गाय बांध रखी, एलएमसी बांध रखी, किस तरीका से खर्चा चलावे। वोट तो मांग भी आ जावे, हाथ जोड़ के वोट दो, वोट दो, काय के वोट दे, सरकार जीत जाए, अपनी अपनी वो करें भैया, कोई किसी की सुने। 2-3 बार फार्म भर के दिया है, आज तक पेंशन ना बनी, 9 साल है गई, मरे मैं भी, क्या करें। नोएडा का दर्द सूरजपुर तक ये पहुंच चुकी हैं, सूरजपुर कोर्ट में भी ये देकर आई हैं, दो बार बोल रही हैं और आज तक इनकी पेंशन नहीं बनी। 9 साल इनके हस्बैंड को ख़त्म हुए हो गए। हमें खुद 4-5 विधवाएं, मुझसे छोटी छोटी भी विधवाएं दो, जन किसी की पेंशन ना बनी है, 4-5 हैं और हमारे किराए के साधन कोई भी नहीं है भैया, एक एक कमरा है, बताओ क्या करें, कैसे गुजारा चले। एक एक कमरा है, किराए का साधन नहीं है। काम में प्लॉट वे टूट गए, उनको कुछ नहीं मिला, हम विधवा बैठे हैं, ना पेंशन है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं मिलते हैं हमें। हाँ, गरीब आदमी को जैसे सुविधा रहे, कुछ भी ना है इसमें, अब कहाँ करें, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, इतनी महंगाई कर रखी है दुनिया भर की। महंगाई बहुत है, गांव का दर्द हम आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम मेरा गांव मेरा देश के जरिए से। आप देख रहे थे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आप देखिए, विधवा है, पेंशन का कोई सहारा नहीं है, बच्चे बड़े हुए अपने घर बसा लिए, लेकिन ये जाएं तो जाएं कहाँ। अधिकारी ने आज तक भी हमारे एक एक परिवार को नौकरी देने का वादा करा था, आज तक नौकरी नहीं दी, जब से जमीन लिया हमारी कुछ नहीं दिया हमें। हाँ, मतलब बुजुर्ग भी हमारे, जब जमीन ली थी गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने, तो ये कहा था कि परिवार के एक सदस्य को सर को नौकरी दी जाएगी और आज तक कोई सुनवाई नहीं करी हमारी, ना किसी, हम जाते अठौरते में धरना दिए हैं, खूब कुछ करा है, नहीं नहीं करा कुछ भी, मारे अठौरती ने मारने कुछ, अथॉरिटी में कोई सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं। और हमारे ग्राम सभा की जमीन का आज तक बहुत पैसा है, हमने क्या इंटर तक स्कूल बना दिए बच्चों को, कुछ भी नहीं बनाया आज तक हमारे, बस स्कूल बना दिया बस। शिक्षा का मुद्दा हर जगह रहता है, शिक्षा बेरोजगारी। अभी आप सुन रहे थे कि इस गांव के अंदर एक भी इंटर कॉलेज नहीं बनाया गया है, केवल प्राइमरी स्कूल 5वीं क्लास तक है, कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ आपने सुना कि लगभग 1,800 मकान होंगे और आबादी की बात करते हैं तो 40,000 से 50,000 लोग यहाँ रहते हैं। इस गांव में आज तक कोई भी सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं होती हैं और आप देख रहे हैं कि दर्द, जैसे रहने को मकान नहीं है, झोंपड़े में गुजारा चला रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं वो झोंपड़ा, मिल रही किसी चीज़ का कोई सुविधा नहीं है, ना कोई सुनता है अधिकारी, न कभी कोई अधिकारी आता है यहाँ।
इतने भी हमारे विधायक बने वो भी किसी के बारे में आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। इधर नोएडा में नगर निगम नहीं है, नोएडा में नगर पालिका नहीं है, ये डायरेक्ट विधानसभा में आता है और यहाँ पर जब शिकायत अथॉरिटी में जाके करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। अभी आपने सुना ट्वीट भी किया और रिटर्न में भी शिकायत करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और हम पूछेंगे जैसे वृद्धा पेंशन की आपने बात करी थी और एक 60 साल पेंशन भी आती है, ठीक है, एक बेवा पेंशन है, तो आपने क्या किसी का ऐसा हुआ जो मिला या नहीं मिला? आए हैं एक दो बार, किसी के फार्म भर के ले गए, एक कभी किसी का पास ही नहीं हुआ आज तक। फार्म भर के ले जाते हैं लेकिन पास नहीं होता। और हम जनता से जानेंगे यहाँ की समस्याएं, यहाँ के जो निवासी हैं उनसे पूछेंगे, जानते हैं समस्याएं क्या क्या हैं, क्या क्या परेशानियां हैं जो आज तक सुविधाएं नहीं मिली हैं। क्या नाम है? दारा सिंह। मैं आपके गांव में मौजूद हूँ इस समय, तो क्या क्या परेशानियां हैं जो सरकार की जो मुहैया नहीं हो पाती आप तक नहीं पहुँचे? तो नाली में पानी भरा रहता है, जरा सा भी बारिश हो जाए तो पानी भर जाता, नहीं सीवर साफ होते नहीं कुछ। ये नाली आगे जाके ब्लॉक है, बंद करी हुई है, ये नाली खुल जाए तो ठीक हो जाएगा। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सीवर बंद रहते हैं, ब्लॉकेज रहते हैं, नहीं पहुंच पाता। और कोई समस्या है जो गांव को मुहैया नहीं हो पाती, सरकारी स्कीमें तक नहीं पहुंचती? ऐसे तो बताने बैठेंगे भैया तो दिन निकल जाएगा। वही तो आपको जानना, हम जानना चाहते हैं आपसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो बताने बैठेंगे दिन निकल जाएगा। तो वही तो समस्या है, सरकार की नहीं है कोई सी वजह। ऐसे क्या नहीं मिली आज तक यहाँ पर आप लोग? विधवा पेंशन नहीं है किसी की, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे ही पड़े रहते हैं, कुछ रोजगार नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्या हैं। वृद्धा पेंशन हो गई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है एक, और हम जानेंगे यहाँ पर कि समस्याएं बहुत हैं लेकिन मुहैया नहीं हो पाती, पहुँच नहीं पाती जनता के बीच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है। आप यंग हैं, एजुकेटेड भी हैं, क्या आपको लगा कि रोजगार मिला? नहीं, मेरे घर में 5 लोग हैं जो बेरोजगार हैं और मैं खुद उनमें से एक हूँ। बहुत बेरोजगारी है हर तरफ, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही, लोकल हैं हम, इस वजह से हमें प्राइवेट जॉब देते नहीं है, हम घर पे पड़े हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है कुछ भी, लोकल हर तरफ से दबाया जा रहा है, किसान दबाए जा रहे हैं, रहने के लिए हम पे छोटे छोटे घर हैं, उनके सामने भी पानी भरता है, सड़कें आप देख रहे हो कैसे टूटी टूटी हैं, और आगे अवैध अतिक्रमण है, नालियों को दबा दिया गया है, पानी निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया है बिल्कुल, सीवर लाइन है जो आज ब्लॉक पड़ी है, ये 200 लोगों के हिसाब 200 घर के हिसाब से बनाई गई थी, आज 400 घर हैं, 1000 घर हैं, आज ये ब्लॉक है, सारी ब्लॉक है। हम चाहते हैं कि ये ओपन हो, सीवर लाइन नहीं डले, नालियाँ जो बंद हो गई हैं वो खोली जाएँ। समस्या है, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं रोड की हालत क्या हो रही है। देखिए ये सेक्टर में आने वाला वो गांव है जहां पर देखा कि जब ये सीवर लाइन पड़ी थी, हम दिखाना चाहेंगे कैमरे की नज़र से, तो उस समय ये 200 मकानों के लिए सीवर लाइन पड़ी थी, आज हजारों की तादाद में मकानों का इसमें पानी जाता है जो ओवरफ्लो हो जाता है, बंद हो जाता है और वो पानी निकल नहीं पाता। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, इसी रास्ते पर आगे अगर जाएंगे, हमने उसका अथॉरिटी को कई बार उसकी कंप्लेन करी है और अथॉरिटी कभी सुनती नहीं हमारी, हमने रिटर्न में भी दिया है, ट्वीट भी करा है, आगे 2-4 मकान ऐसे हैं जिन्होंने नाली दबा दी है और वो ब्लॉक हो गई है, जो भी पानी जाता है इन सीवरों के जरिए जाता है, उसके अलावा जा ही नहीं रहा है। अभी तो ठीक है, बारिश नहीं हुई है, जिस दिन बारिश होगी आप उस दिन आके यहाँ पर रिपोर्टिंग करना, आपको हाल पता चलेगा, इतना इतना पानी होता है यहाँ पे। आज देखिए हमारी समस्या आप दूर करवाइए, हम आपके जरिए समस्या हमारे माध्यम से दूर करने की बात कही जा रही है, लेकिन आने वाले वक्त में जब बरसात आने वाली है, बारिश के टाइम पे यहाँ पर 2 से 3 फुट पानी हो जाता है और पानी में निकलना मुश्किल हो जाता है, जनता और बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चे जाएँ तो स्कूल कैसे जाएँ और घर वाले उनको कैसे पहुँचाएँ, हर वक्त बीमारी का खतरा, पानी से घरों में घुसने का खतरा, जो मकान हैं थोड़े बहुत मकान हैं। हम नवादा गांव में मौजूद थे और हमने जाना, आज हमें ये यंग स्टूडेंट्स मिल गए हैं, सारे युवा स्टूडेंट हैं, इनसे हम जाने, इनसे पूछेंगे कि क्या नाम है आपका? अनिकेत। अनिकेत आप यंग हैं, क्या एजुकेशन? अभी 12th पास हूँ मैं, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हो कि आपको सरकारी नौकरी मिले या अपना बिजनेस करना चाहते हो? जी गवर्नमेंट से उम्मीदें तो सारी खो चुके हैं, गवर्नमेंट से उम्मीद तो सारी खो चुके हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट किसी काम की है नहीं,
मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नीट का एग्ज़ाम हुआ इसमें धांधलीबाजी हो गई, कोई भी परीक्षा होती है वो रद्द हो जाती है, उसका पेपर लीक हो जाता है, तो आज की जो हम युवा हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे? पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, पर वो सब तो पानी में मिलता है, तो इसका हल कैसे मिलेगा? सरकार तो कहती है कि पकौड़े तल लो, यही रोजगार है, इस बारे में क्या कहेंगे? पकौड़े से अच्छा तो फिर भुट्टा बेच लो, पांच वाला भी उसमें बिक रहा, रोजगार है वो भी, सरकार कहती है वो भी रोजगार है। युवा है, नौकरी नहीं मिल रही है, परेशान है, सरकार कहती है कि रोजगार है, पकौड़े तल लो, चाय बेच लो, ये भी रोजगार है। आप जी रोजगार की बात तो मोदी से करो ही मत, क्योंकि रोजगार तो वो कितना झूठ बोलते हैं, चाय बेचते हैं, चाय उन्होंने कभी बेची भी नहीं, रोजगार वो दे नहीं सकते। और ये राहुल गांधी आता तो कुछ होता भी, किसी और को मौका मिलना चाहिए जरूर, है ना? लेकिन अब तो फिर सरकार बन गई 5 साल के लिए, अब 5 साल फिर बर्बाद होगा देश और फिर झेला जाएगा इनको। हम तो पहले मेहनत कर रहे, अब भी मेहनत ही करेंगे, पर जो लोग मोदी मोदी करते हैं ना उनको देख लेना आप, वो ही पहले रोएंगे, हम तो मेहनत से खाते और मेहनत से ही खाएंगे। देखिए 500 साल इंतजार था अयोध्या मंदिर का, 500 साल के बाद मंदिर बना, अयोध्या के अंदर ही बीजेपी हार। अरे तो वहाँ की जनता जो गरीब लोग थे उनके भी तो घर उजाड़ दिए, मंदिर से चलो मंदिर बना अच्छा बात है, मंदिर तो बनना चाहिए था, पर जो वहाँ से जिनके घर हटाए गए हैं उनको घर भी तो देने चाहिए थे। न्यूज़ में झूठ बोलते हैं कि उनको घर दे दिया, पर वहाँ के लोगों से जाके पूछो ना कि उनको घर कहाँ मिला है, वो वहाँ जाके उनसे कोई पूछ का हो, किसी को कोई घर नहीं दिया, कचड़े के जहाँ कचरा गिरता है उधर जाके उन्हें ज़मीन दे दी कि यहाँ रहो, तो बताओ उनको कहाँ से राम आए, तो राम गरीबों को हटा के आएंगे? गरीबी हटा के लाओ ना राम को, तो फिर यही बात करो कि गरीबों का क्या हल निकाल रही है सरकार, क्या कर सकती है गरीबों के लिए, सिर्फ अंबानी अडानी इनके लिए ही करेगी। पॉइंट बहुत बड़ा है कि राम आए, गरीबों को हटा के राम नहीं आए, गरीबी हटा के राम लाओ, बहुत बड़ा पॉइंट है। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हो कि सरकार हमारे लिए युवाओं के लिए क्या करे? जी सरकार तो देखो युवा के लिए ये जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें सख्त कानून होना चाहिए कि ये लीक ना हो, पर लेकिन ये लीक भी खुद ही करवाते हैं, क्योंकि इनमें फीस जमा होती हैं, वो रद्द हो जाते हैं, ना नौकरी देनी पड़ेगी और पैसा का पैसा आ जाएगा, पैसा तो भर दिया जाता है, वो पैसा भी तो वापस होना चाहिए बच्चों का, एग्ज़ाम रद्द हो जाते हैं पैसा तो आता नहीं है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये भी तो एक फ्रॉड ही होता है, स्कैम ही होता है, ये भी हर चीज़ स्कैम ही हो रही है। अब इन्होंने न्यूज़ में ये सब इलेक्शन से पहले इन्होंने फैलाया था कि ट्रेडिंग पे पैसा लगा दो बीजेपी सरकार की, 400 प्लस सीटें आएंगी, तो लोगों का पैसा लगवा दिया, वो पैसा डूब गया, तो वो भी तो स्कैम ही हुआ। कोई भी ट्रेडिंग पे पैसा लगवाने के लिए जब कोई बताता है ना तो उस पर केस होता है कि इसने इस चीज़ पे प्रेडिक्शन करी है, तो केस होगा उस पर, तो मोदी अमित शाह इन पर केस क्यों नहीं हो रहा? अब इनके ऊपर भी केस करके दिखाओ ना कोई, ये भी केस होना चाहिए, तो वही है कि इन लोगों पे कोई केस नहीं होगा, और अगर अभी मैं कुछ बोल दूँ तो मुझ पे कल ही केस हो जाएगा, मेरे घर जाने से पहले पुलिस आ जाएगी मुझे लेने, तो बस यही है। कुछ बोल, हाँ नहीं मैं तो बोलूँगा, वो जो ना बोल पाते वे ना बोल पाते, हमें कोई वो ना है, हम बोलेंगे, पर लेकिन और नहीं बोल पाते ना, अब क्या कर सकते हैं। गाँव की देखिए हमने हालत बहुत खस्ता हो रही है, सीवर टूटे हुए हैं, बरसात में 2-2 फुट पानी जमा हो जाता है, तो गांव में भी तो सरकार को देखना चाहिए, तो उसमें गांव में क्या समस्याएं आपको नज़र आती हैं? जी गांव में तो देखो ऐसी बात है, यहां का जो विधायक है वो गांव में तो एक बार भी नहीं आता, सोसाइटी के बाहर चक्कर लगा के चला जाता है, क्योंकि सोसाइटी ही सही बनी हुई है, गाँव में जाएगा तो रोड पर पानी भरा मिलता है, क्योंकि वहाँ पर वही नहीं निकल पाएगा तो इसलिए वो गाँव में जाते ही नहीं है, गाँव में जाएगा तो वहीं चप्पल पड़ जाएंगी मुँह पर, इसलिए वहाँ जा नहीं सकता वो। ये सोसाइटी वाले पता नहीं क्या देखते हैं, उसको वोट दे देते हैं, हम तो नहीं देते उसे वोट, फिर भी वो जीत जाते हैं, क्या करें, गांव में जाके देखो ना कोई, दिखाओ वहां पर जाके क्या होता है क्या नहीं होता। गांव की समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन गांव तक कोई भी विधायक कोई भी सांसद नहीं पहुंच पाता है। आपको दिखाते हैं कैमरे की नज़र से, यहाँ पर ही सोसाइटीज बनी हुई हैं, फ्लैट बने हैं, बहुमंजिला बिल्डिंगें बनी हुई हैं, यहाँ पर सांसद भी आते हैं और विधायक भी आते हैं, जो आकर के यहाँ को RWA के जरिए पार्क भी बनाते हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन गांव तक कोई नहीं पहुंच पाता, गांव में समस्याएं खड़ी रहती हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अभी हमने जाना युवाओं का दर्द और युवाओं से पूछा कि आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीदें हैं, आपने सुना देखा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश, आप यंग हैं, आप बता रहे थे कि मैंने कोई फॉर्म भरा था किसी वैकेंसी में, तो क्या आपके साथ? सर 2020 के बाद 21 में जब लॉकडाउन हटा था तो उस टाइम मैंने रनिंग करी थी अच्छे से, आर्मी के लिए मेरा सपना था कि आर्मी में जाना, लेकिन 2 साल अच्छे से रनिंग करी, जब बाद में पेपर आया उस टाइम पता चला कि 4 साल की वैकेंसी हो गई है, तो इतना मन टूटा कि, और मेरी उम्र थी उसमें करीब 6 महीने रह रहे थे, लेकिन तब मेरा फॉर्म भरा नहीं, और 4 साल की वैकेंसी तो 4 साल में तो बंदा क्या करेगा, 22 साल में हम रिटायर होकर घर बैठेंगे। उसके बाद हमने यूपी पुलिस का पेपर दिया, यूपी पुलिस के पेपर में हम जैसे सुबह हम उठ के गए पेपर देने, और आके घर आके बस आके अपना थोड़ा फ्रेश हुआ, आके पता चलता है वो पेपर लीक हो गया, तो कितना बुरा लगता है बताइए, मन खराब हुआ है, तो पेपर लीक होना तो अच्छा नहीं लगता ना इस चीज़ का। पूरी तरह से तैयारी करी होगी आपने फिर बाद में? हाँ हाँ, फिर एनर्जी, फिर मन नहीं करता है, फिर पेपर ऐसे लीक होता है तो अच्छा मन नहीं आता है किसी चीज़ में, कहीं ना कहीं टाइम बढ़ जाता है उसमें। तो क्या सरकार से उम्मीदें हैं, क्या लगाए बैठे हो आप, क्या चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ कि अब की बार जो सरकार बनी है थोड़ा या तो वैकेंसी निकाले, पेपर लीक ना हो, सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, चलो हमारा क्या है जो अब आर्मी में बच्चे जाएंगे कम से कम 4 साल की वैकेंसी हटा दी जाए, और जो वैकेंसी पहले थी उसी हिसाब से रहे, और बस यही कहना चाहता हूँ। 4 साल से जो पहले था आर्मी का, अभी जो गवर्नमेंट ने किया था 4 साल, वो ना रहे, पूरा रहे जो पहले था, यही चाहते हैं। और अब सरकार बन के आई है, वैकेंसी निकाले और इन युवाओं को जॉब दें।